Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about a term solar constant. ये solar constant क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? तो जैसा कि आपको बताया कि सन की जो एनर्जी है, ठीक है, वो पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होती है। लगभग आधी जो एनर्जी है वो सन जो एटमॉस्फेयर है वो सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बाकी जो पार्ट है सन की एनर्जी का वो अर्थ के सरफेस पे गिरता है, ठीक है? तो जितना पार्ट अर्थ के सरफेस पे गिरता है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू निकाली गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलार कॉन्स्टेंट, जो कि हमें समझने की एक आइडिया देता है कि किस तरह से सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो कांस्टेंट है उसे बोलते हैं हम सोलार कांस्टेंट। वो होता क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है? पहले आप इधर देखो, ये सन हो गया, ठीक है? अब सन की जो हीट रेज हैं या लाइट, हीट एंड लाइट रेज जो है वो अर्थ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है? और अर्थ का एक सेक्शन जो है आप देख सकते हो वो हीट अप हो रहा है, ठीक है? इसी के बेसिस पे हम सोलार कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, ओके? तो डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाय 1 square meter एरिया ऑफ द नियर अर्थ स्पेस एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड सोलार कांस्टेंट, ठीक है? इसको हम पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी, हम क्या निकाल रहे हैं, सोलार एनर्जी की क्वांटिटी जो कि रिसीव हो रही है अर्थ के सरफेस पे पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी हो रही है, ठीक है? वो भी किस एरिया पे, जिसका एरिया है 1 square meter एरिया। 1 square meter एरिया में कितनी एनर्जी सन की पर सेकेंड इंसिडेंट हुई, ठीक है? और वो जो स्पेस लिया या एरिया हमने लिया है वो अर्थ स्पेस का बिल्कुल पास का एरिया है, जो कि एट एन एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मतलब क्या है, सन और अर्थ, अर्थ आपको पता है सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है? तो उसकी जो दूरी है सन से बराबर नहीं होती, ठीक है? क्योंकि इलेप्टिकल पाथ में क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। तो हम उस डिस्टेंस का एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है? कि मान लिया सन की पोजीशन ये है, अर्थ की पोजीशन ये है और ये एवरेज डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है, हमने अर्थ का क्या किया, एक स्पेस लिया जिसका एरिया है 1 meter square। ये 1 meter square का जो एरिया है अर्थ सन से आने वाले हीट रेस इस पे जब इंसिडेंट होंगे तो ये कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है 1 second में, वो जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे हम सोलार कांस्टेंट, ठीक है? कहने का मतलब है अगर हम इस सेक्शन को सपोज करिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एरिया कितना है 1 meter square, ओके? अब इस सेक्शन पे सन की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और ये 1 second में कितनी एनर्जी ये रिसीव करेगा और एरिया कितना है 1 meter square, ओके? तो वो जो वैल्यू है उसे कहेंगे हम सोलार कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है? लेकिन सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन में ये लगातार चेंज होती रहती है, तो वो जो डिस्टेंस है हमने जो लिया हुआ है वो डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है? इस चीज का ध्यान देना है। तो एक बार और देखेंगे डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाय 1 square meter एरिया ऑफ द नियर अर्थ स्पेस। ये नियर अर्थ स्पेस जो है वो किस डिस्टेंस पे है, एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड सोलार कांस्टेंट, ठीक है? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ सोलार कांस्टेंट इज 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। मतलब वो जो 1 meter square का एरिया है एक सेकेंड में कितनी एनर्जी रिसीव करता है, 1.4 किलो जूल, जूल एनर्जी की यूनिट है तो किलो जूल, ठीक है, 1.4 किलो जूल की एनर्जी पर सेकेंड वो रिसीव करता है।
यही वैल्यू है सोलर कॉन्स्टेंट की, ठीक है। और उस किलो जूल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.4 किलो वॉट पर स्क्वायर मीटर, किलो जूल पर सेकेंड को चेंज कर दिया वॉट में, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम सोलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।